हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माधव की दुनिया में। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सबको राधे राधे। आज मैं बना रही परमल की मिठाई घर में। और गर्मी का टाइम है, बाहर से चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं मिलती, फ्रेश चीज़ें। अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने ठाकुर जी के लिए बनाएं। इसके लिए मैंने लिया है, ये 1 किलो दूध है। इसको मैं अपनी कढ़ाई में डाल के इसका खोआ बनाऊंगी। ये मेरा 1 किलो दूध है, अब इसकी मैं बनाऊंगी खोआ। चलो फिर मैं आपको बता। ये देखो, अब ये मेरा परमल की मिठाई के लिए खोया बनके थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और ये गर्मी में देखो, रोटी के बाद में मिठाई खाने का मन करे, कोई मीठा खाने का मन करे, परमल चल रहे हैं, अच्छे अच्छे परमल लाएं और अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाएं। अब ये देखो मेरे पास हैं ये परमल, ये मेरे पास हैं परमल, ये देखो 8 परमल हैं और हम लोग 5-6 जने हैं। 5 हम, छठे हमारे माधव। तो अब हम बनाएंगे, इनको छीलेंगे पहले। चलो छीलते हैं, छील के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारे ये परमल मैंने बिल्कुल खाली कर लिए अंदर से बिल्कुल। अब हम इनको पानी में डालेंगे उबालने के लिए। ये मैंने रखा है 2 गिलास पानी, और अब हम इसमें डालेंगे ये परमल। इनको 5 मिनट उबालेंगे, ये 5 मिनट में हमारे उबल के तैयार हो जाएंगे। और अगर इनका आप कलर चेंज करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा सोडा, 1 पिंच सोडा डालोगे तो इनका हरा कलर आ जाएगा। लेकिन मैं सोडा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रेश बनाने हैं, इसलिए मुझे कोई केमिकल नहीं डालना, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ पानी में इनको उबालूँगी। बॉयल, एक बॉयल आएगा उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इनके लिए बनाती हूँ चाशनी। 1 तार की हमें इसके लिए चाशनी चाहिएगी, तो मैं चाशनी बनाती हूँ। ये देखो मैंने ये 2 गिलास के पानी रखा है। अब इसमें हम ये चीनी डालेंगे, ये हमारी आधी कटोरी चीनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी 1 कटोरी चीनी डालें, और मैं इसमें ये चीनी डालूँगी। उसके बाद मैं फिर इसकी 1 तार की हमें चाशनी चाहिएगी, तो हम इसको चलाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारा ये परमल जो हमने उबाले हैं ये बॉईल हो गए। अब हम इनको गैस को कर देंगे बंद और इनको निकाल लेंगे बाहर। 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक ऐसे देखेंगे और ये उबल चुके हैं अच्छे से। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे, गैस को कर देंगे बंद। ये देखो ये बनके तैयार है, अब ये हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो, ये मैंने परमल के लिए जो चाशनी बनाई थी ये हमारी चिपकने लग जाए ऐसे, तो फिर हम इसमें हमने डाल दिए ये परमल। ये हमारे परमल इसमें डले हुए हैं, 8ों परमल इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इनमें इसमें ही पड़े रहने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में इसको इसमें से चाशनी से अच्छे से इसमें हो जाएगी, पी लेंगे चाशनी को। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे बाहर निकाल के, ठीक है। फिर इसमें भरेंगे हम खोआ। मैं सिर्फ खाली खोआ में 1 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि ये हमारे जो परमल है अच्छे से मीठे में, ऊपर भी इसके मीठा होगा अंदर भी मीठा होगा, तो खाने में बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। इसलिए मैं खोआ, जो मैंने खोआ बनाया ये वाला, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली थी बनते में, तो ये हमारा खोआ मीठा हो गया है। इतना ही मीठा है जितना हमें चाहिए। अब ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा सा और मीठा डाल लो, और जब आपका मन करे परमल की मिठाई बनाएं
और अच्छे से खाएं, कोई मेहमान आए उनको भी खिलाएं, आप भी खाएं। कभी खाना खाने के बाद में जैसे बच्चे मांगते हैं तो उसके लिए परमल आ ही रहे हैं, उनकी मिठाइयाँ बनाएं, अच्छे से खाएं बनाएं। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखो हमारे परमल चाशनी में अच्छे से हो चुके हैं। अभी इसको चिमटे से पकड़ के बाहर प्लेट में निकालेंगे। ये देखो ये चाशनी को हम किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं इस चाशनी से। ये देखो जो हमने परमल अपने चाशनी से निकाले उनके अंदर हम ये वाला खोवा इसके अंदर ऐसे अच्छे से भर देंगे। ये देखो इसके अंदर खोवा हम, आप चाहें इसमें ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, मैंने ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सादा बनाई है। आप इसके अंदर कुछ भी मिला के बना सकते हैं। ये देखो हमारी मिठाई, ये हमारी परमल की मिठाई बनके तैयार है। ऐसे ही सारे परमल को हम खोवे के अंदर भर लेंगे। ये देखो हमारी परमल की मिठाई बनके तैयार है। आप चाहें इनके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये जल्दी 5 मिनट में बनने वाली परमल की मिठाई, इसको खाएं और खिलाएं। और अगर आपको ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करें।